जय श्री कृष्णा। देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक बार एक गांव में अकाल पड़ गया। कारणवश उस गांव के लोगों को उस गांव को छोड़कर कहीं और किसी और गांव में बसने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। निकट ही एक गांव था और इस गांव के कुछ व्यापारी निकट के गांव में जाकर बसने के बारे में सोचने लगे। वे यहां से निकले और उस गांव की ओर अग्रसर हुए। उस गांव में पहुंचकर एक व्यापारी ने वहां के एक बुजुर्ग व्यक्ति से प्रश्न किया कि हमारे गांव में अकाल पड़ गया है और मैं यहां पर बसना चाहता हूं, यहां बसकर व्यापार करना चाहता हूं, क्या यह गांव रहने के लिए सही है? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि जिस गांव से आप आए हैं वहां के लोग कैसे थे, किस प्रकार का गांव था वह? इस व्यापारी ने उत्तर दिया, बस पूछिए मत किस प्रकार का गांव था। उस गांव में हर व्यक्ति झगड़ा करता था, किसी को बात कहने की अकल ही नहीं थी और तो और रहने का तरीका भी नहीं था। अब आप उत्तर दीजिए, इस गांव के लोग कैसे हैं? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया कि बस पूछिए मत, इस गांव का तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है, आपका यहाँ बसना उचित ना होगा। यहाँ के लोग झगड़ा नहीं करते, यहाँ के लोग सीधा मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, रहने का सलीका तो किसी को है ही नहीं, तो मेरे अनुसार यह गांव आपके लिए उचित नहीं होगा। वह व्यापारी यह बात सुनकर वहाँ से चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात एक और व्यक्ति उसी अकाल पीड़ित गांव से आया और इसी बुजुर्ग व्यक्ति से प्रश्न करने लगा कि क्या मैं इस गांव में बस सकता हूँ, क्या मैं इस गांव में व्यापार कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस गांव से आया हूँ वहाँ अकाल पड़ गया है। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने इस व्यक्ति से भी वही प्रश्न किया कि जिस गांव से आप आए हैं वहाँ का व्यवहार, वहाँ के लोग किस प्रकार के थे? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, बस पूछिए मत, इतने उदार स्वभाव के वहाँ के व्यक्ति थे, बहुत ही दयालु, बहुत ही प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति थे, अब आप बताइए इस गांव के लोग कैसे हैं? इस बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया, इस गांव के लोग तो अत्यधिक प्रेम करते हैं, सभी को अपना बना लेते हैं, यह गांव आपके लायक है, आप यहाँ बस सकते हैं। वह व्यक्ति यह प्रश्न सुनकर चला गया और इस गाँव में बसने के लिए तैयारी करने लगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति के निकट बैठे हुए दो व्यक्तियों ने प्रश्न किया कि बाबा, दो व्यक्तियों ने एक ही प्रश्न किया परंतु आपने दोनों को अलग अलग उत्तर क्यों दिया? बाबा ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा कि देखो पुत्र, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। चोर को हर तरफ चोर ही दिखाई देंगे, डाकू को हर तरफ डाकू ही दिखाई देंगे, ईमानदार व्यक्ति को सारी दुनिया ईमानदार ही दिखाई देगी। जो सत्संग करता है उसे हर व्यक्ति ऐसा ही मिलेगा जो सत्संग करता हो। भजनी को हर व्यक्ति भजनी ही प्राप्त होगा, अर्थात एक अच्छा व्यक्ति अपने समान ही अच्छा मित्र बनाता है, एक चोरी करने वाला अपना मित्र भी चोर ही बनाएगा। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिस प्रकार की दृष्टि रखेंगे वैसी ही सृष्टि हो जाएगी। आप जितनी जोर से आवाज़ लगाएंगे उसी प्रकार वैसी ही आवाज़ लौट कर आप तक आएगी। इसलिए अगर हम अपनी दृष्टि अच्छी रखेंगे तो सृष्टि स्वयं ही सुंदर हो जाएगी, दृष्टि बुरी रखेंगे तो सृष्टि में भी हर और हर तरफ बुराई ही बुराई दिखाई देगी। इसलिए भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, प्रभु नाम लीजिए, स्वयं भक्त बनेंगे तो दूसरे भी भक्त ही दिखाई देंगे। एक सत्संग करने वाले को, एक साधु को हर तरफ साधु ही साधु दिखाई देंगे। इसीलिए कहा गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जय श्री कृष्णा।